दोस्तों, गीता कापूर इंडिया की एक टैलेंटेड डांसर और कोरियोग्राफर है, जिन्हें हम गीता माँ के नाम से भी जानते हैं। गीता कापूर ने अपने करियर में कई बॉलीवुड फिल्मों में एक कोरियोग्राफर की तौर पर काम की है और काफी नाम और एक अच्छी पहचान बनाई है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गीता कापूर की लाइफ स्टाइल और बायोग्राफी के बारे में और जानेंगे इनसे जुड़ी कुछ ऐसी बातों को जिनको शायद आप नहीं जानते। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपको भी गीता कापूर की डांसिंग पसंद है तो वीडियो को कर देना लाइक। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इनकी रियल नेम गीता कापूर है और निक नेम गीता माँ है और भी प्रोफेशन से एक कोरियोग्राफर है। इनकी जन्म 5 जुलाई सन 1973 को मुंबई महाराष्ट्र में हुई थी और 2024 के हिसाब से गीता माँ अब 51 ईयर्स की हो चुकी है। दोस्तों, गीता कापूर नेशनल से इंडियन है और रिलीजियन से हिंदू है। और बात की जाए जुडेक साइन के बारे में तो इनकी जुडेक साइन है कैंसर। गीता कापूर की हाइट है 5 फीट 5 इंचिस और वेट है लगभग 82 केजी। इनकी आई कलर ब्राउन है और हेयर कलर ब्लैक है। दोस्तों, अगर बात किया जाए इनके करियर के बारे में तो आपको बता दें कि गीता कापूर बचपन से ही एक डांसर बनना चाहती थी और वो जब 15 साल की थी तभी उन्होंने फराह खान की डांस एकेडमी को ज्वाइन की थी। फिर इसके बाद उन्होंने एक असिस्टेंट कोरियोग्राफर की तौर पर कई बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्मों में काम की, जिसमें कुछ कुछ होता है, कल हो ना हो, मैं हूँ ना और ओम शांति ओम जैसे कई फिल्में शामिल है। दोस्तों, बचपन में गीता कापूर को डांसिंग के अलावा मॉडलिंग से भी काफ़ी ज़्यादा लगाव थी और वो बचपन में मॉडलिंग की प्रैक्टिस भी किया करती थी। दोस्तों, गीता कापूर ने अपने करियर में एक डांसर की तौर पर कई फिल्मों में काम की है। दोस्तों, इन्होंने सन 2004 में मैं हूं ना फिल्म में गोरी गोरी और सन 1998 में कुछ कुछ होता है फिल्म में तुझे याद ना मेरी आई गानों में अपनी प्रदर्शन दिखाई है। दोस्तों, गीता कापूर आजकल एक कोरियोग्राफर और एक डांसर के अलावा एक जज की तौर पर काम करती है और वो कई डांसिंग रियलिटी शो को भी जज करती है। बात किया जाए इनकी फैमिली के बारे में तो आप स्क्रीन पे गीता कापूर की माताजी की फोटो देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी गीता कापूर की लाइफ स्टाइल और बायोग्राफी वीडियो। दोस्तों, आज के इस वीडियो यहीं पर समाप्त होते हैं। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखा करें।